अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रहता व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब, और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है, ये सब आपने मुझे बताना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, और अल्लाह का इतना करम है कि आप देखें कि मौसम कितना अच्छा हो गया है। कल सारा दिन बारिश होती रही है, परसों भी सारा दिन बारिश होती रही है, और बिल्कुल भी मौसम का पता नहीं चल रहा कि गर्मी भी है। ठीक है, और रोज़े भी इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। अच्छा, और अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जी अपनी इफ्तारी की रूटीन। ठीक है, और टाइम इस वक्त हो चुका है जी 3 बजे का, और 3 बजे जो है आपको पता गैस आ जाती है। ठीक है, और उससे पहले हर चीज़ जो है वो हमने तैयार करके रखनी होती है, ताकि जैसे ही गैस आए और फ़ौरन से जो है वो इफ्तारी की जो सामान है, चीज़ें हैं, वो बननी शुरू हो जाएँ। किचन में फिर इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, और अभी मैं आपसे सारा शेयर करूँगी। और आज जो इफ्तारी सारी तैयार होनी है वो सब है जी मोहम्मद की फरमाइश पे। मोहम्मद ने एक्चुअली सारा मेन्यू डिसाइड किया था कि मामा आज आपने इफ्तारी में ये चीज़ें रेडी करनी हैं, तो आज हम वही सब चीज़ें बनाएंगे मोहम्मद की फरमाइश पे। ठीक है, तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। बहुत मज़ा आने वाला है जी इफ्तारी में भी। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त डिशेज बनने वाली हैं, और इन डिशेस की रेसिपीज़ भी आपको जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, और आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, देखते रहना है जी एंड तक। और जो चैनल पे नए आए हैं, उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, और मैंने आपसे शेयर किया था कि जी मेरा टारगेट है और वो आप लोगों ने ज़रूर पूरा करना है, इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जल्द से जल्द जो है वो टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का प्यार है, और प्यार का अंदाज़ा तभी हो सकता है जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और चलते हैं जी आप किचन में, और मैं आपको दिखा दूँ क्या 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 चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर तैयार हो रहा है बिरयानी का मसाला, सालन जो है। ठीक है, और अभी चावल जो है वो मैंने बॉयल करने हैं, थोड़ा से इसमें है कि घी छोड़ दे तो फिर ये सालन रेडी हो जाएगा। और दूसरी साइड पे साग को लगने लगा तड़का। आज सारे कह रहे थे कि जी साग होना चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए तो यहाँ पे साग को तड़का लगता है। और ये चिप्स जो हैं बनने के लिए आलू भी कटिंग करके रखे हुए हैं, चावल भी धो के रखे हुए हैं, और यहाँ पर बनना है जी कचूमर। ठीक है, और ये खीरा और टमाटर का, और ये सारी चीज़ें पीस के रखी हुई हैं। और फ्रूट चाट जो है वो बन चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रूट चाट बन चुकी है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हैं, तो वो फिर टाइम पे ही ऐड कर लेंगे। इसको भी ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। मीनार को मैंने अभी अभी शॉवर दिया है, और उसके बाद ये देखिए जी माशाल्लाह फ्रेश हो गई है। सुबह से इसकी ऑयलिंग की हुई थी, बालों में ऑयल लगा हुआ था, और अभी अभी इसको मैंने नहलाया है। मोहम्मद सो रहा है उसने, और सुबह से वो माशाल्लाह जाग रहा है, उसने सहरी के बाद सोया ही नहीं था। और मीनाल अब अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रही है, इसकी फ्रेंड्स आ गई हैं और उनके साथ ये बाइक खेलने के लिए जा रही है। ठीक है, मीनाल आजकल जो है साइकिल सीख रही है, और साइकिल इसको सिखा रही है आयशा। आयशा इसकी टीचर है, जो कि इसको साइकिल सिखा रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी साइकिल चलानी सीख गई है मामा ने। बिरयानी का सालन रेडी हो चुका है, और यहाँ पानी रख दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए, और इसमें मैंने नमक ऐड किया और साथ ही पुदीने के कुछ पत्ते। पुदीना ऐड करने से चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे कढ़ाई में हमने रख दिया है जी घी को गर्म होने के लिए, क्योंकि अब फ्राइज़ बनाने हैं, और ये कढ़ाई हमारी डेली इसी तरह से पड़ी रहती है, और इसमें घी भी रहता है, और जब ज़रूरत हो फ़ौरन के चूल्हे पर रखा और इसको गर्म करके बना लिया। ठीक है जी, जैसे घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राइज आलू जो हमने काट के रखे हुए हैं वो डाल देंगे, और फ्राइज रेडी कर लेंगे। और अब टाइम भी हो चुका है इस वक्त 5:15 का, और जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो हम चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, और बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, और जिसको चाहिए वो चैनल पर देख सकता है। ये बिरयानी की जी फाइनल लुक है। ठीक है, लेयर्स वगैरह लगा दी हैं, और अब हमने इसको देना है दम। ठीक है, तो अब इसको मैं दे देती हूँ दम पर, और 10 मिनट का जो है हम इसको दम देंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सोया हुआ है, और अब हम मोहम्मद को उठाते हैं। थोड़ी सी आँख खोल के देखा है, मामा मामा वीडियो बाली है। उच्चो चुनू, तारीख का टाइम हो गया है,
आपकी फेवरेट सारी डिशेस बन गई हैं उच्चो। शहजादे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, एक्चुअली सहरी के बाद मोहम्मद सोया ही नहीं था और ये गेम खेलते रहे, और मैंने अभी तक यहाँ पे बेडशीट भी नहीं बिछाई है। आज बेडशीट उतारी थी, ठीक है, और अभी वो मैंने बिछानी है क्योंकि बच्चे पहले खेलते रहे हैं और क्योंकि आज सारे कपड़े धुलवाए थे और अभी जो है सारी बेडशीट्स बिछाने वाली हैं। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, अब अफ्तारी से फारिग होके तो फिर मैं सारे अपने रूम को सेट करूँगी। आज एक्चुअली सारी जो अफ्तारी है वो सारी मोहम्मद की फरमाइश पे बनी है। मोहम्मद ने मेन्यू सेलेक्ट किया था कि जी आज अफ्तारी में ये चीज़ें होनी चाहिए मामा, तो इसलिए सारी चीज़ें वही बन रही हैं, ठीक है। और वैसे मोहम्मद जी, मोहम्मद उठो जल्दी से, उठो, अफ्तारी का टाइम हो गया, इतनी नींद आ रही है। चला मैं मोहम्मद को उठाती हूँ। एक आंटी हैं, उनको हम लोग डेली अफ्तारी भेजते हैं और ये उनके लिए जो है ट्रे रेडी कर दी गई है, साग को भी तड़का लग गया और ठीक है, और ये तमाम चीज़ें उनके लिए हैं, ठीक है। अब बच्चे आते हैं तो वो साथ ही अफ्तारी दे आएंगे। अब वैस और मोहम्मद जो है इस टाइम अफ्तारी का फुल वेट में है कि जल्दी जल्दी जो है वो अजान हो और हम अफ्तारी करें, ठीक है। और इस टाइम बैठ के ये दोनों जो है वो दुरूद शरीफ की तस्बीह कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो टेबल भी लग चुका है, ठीक है। डाइनिंग पे हम लोग इसलिए खाना नहीं लगाते कि वहाँ पे जो है इतना मज़ा नहीं आता, और यहाँ पे जो है इजी होके आराम से जो है खाना खाया जाता है, ठीक है जी। फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं, रायता भी बन गया है, सैलेड भी बन गया है, साथ ही फ्रूट चाट भी है, बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, ठीक है। माशाल्लाह जी हर चीज़ रेडी हो चुकी है और टेबल जो है वो लग गया, ठीक है। मोहम्मद की फेवरेट जो है कोक भी आ चुकी है। बच्चे अफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं, ट्रे में आपको दिखा चुकी हूँ जो रेडी की है, तो अब ये जा रहे हैं और मैं फिर इनको देखती हूँ, ठीक है। चलें बेटे जल्दी से देकर आए, टाइम नहीं है इतना, ठीक है, जल्दी जल्दी दे के वापिस आना है आपने, ठीक है, उतना टाइम, ठीक है, जल्दी से फटाफट दे। 2000 years later. आपको मैंने आपसे एक छोटा सा व्लॉग जो है वो मैंने शेयर किया है, ठीक है। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आपके, माशाल्लाह कितनी क्यूट सी एक बच्ची बैठी हुई है, और ये मामा से कभी कभी ना नाराज भी हो जाती है और ये अभी भी कुछ इसी कंडीशन में बैठी हुई है कि मामा से नाराज है, लेकिन ये नाराज़गी जो ना हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए होती है, उसके बाद फिर हम फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं, और मैं मामा कम हूँ और फ्रेंड ज़्यादा हूँ, ऐसे ही है। आपकी मामा हूँ कि फ्रेंड हूँ आपकी, बताओ तो सही, क्या हूँ मैं आपकी के। चलें जी, बस इतनी सी हमारी नाराज़गी होती है, और ये नाराज़गी हमारी देखा आपने कितनी जल्दी ख़त्म हो गई है ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी रही है, ठीक है, और बहुत मज़ा आया। और मीनाल को भी मैं आपको दिखा दूँगी जी, ये क्या कर रही है, क्या कर रही हो मीनाल, ये मेरा बहुत मूडी सा बच्चा है, ठीक है, इसका जब दिल करता है ना तभी ये बात करती है। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह है बहुत प्यारी। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि अब मैंने करना है थोड़ा सा काम, बच्चों के सुबह स्कूल जाना है, स्कूल के लिए इनका यूनिफॉर्म रेडी करना है, इनको एक दफ़ा सारा रिवाइज़ करवाना है, ठीक है, और इसलिए जो है अब मैं उधर बिज़ी हो जाऊँगी, और बाकी व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह अभी एडिटिंग करके आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, उसको लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप कैसे चाहते हैं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई है या आप कोई फरमाइश करना चाह रहे हैं तो आप उनसे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।